दोस्तों आज मैं आपको देने वाला हूँ YouTube का ब्रह्मास्त्र, और उससे पहले आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि आपके भाई का आज है बर्थडे। तो देखते हैं भाई आपके भाई को कौन कौन प्यार करता है, कौन कौन कमेंट बॉक्स पे लिखता है हैप्पी बर्थडे। तो भैया लिख दीजिए, विश कर दीजिए अपने भाई को, आज आपके भाई का बर्थडे है। और सिर्फ आपके भाई का बर्थडे नहीं है, आज इस चैनल का भी बर्थडे है, क्योंकि ये जो चैनल है सिद्धार्थ राज शुक्ला 2.0, इसकी ओपनिंग 20 अक्टूबर 2022 को हुई थी, बात समझ रहे हैं। लेकिन इस पर वीडियो जो अपलोड हुई वो हुई थी 10 जनवरी 2023 को, बात समझ गए। तो मतलब ये दिन बहुत ज़्यादा खास है हम सभी के लिए, क्योंकि देखिए ये जो चैनल है ना, ये सिर्फ मुझसे नहीं बनता, आप लोगों की वजह से ये चैनल बनता है भाई। इस चैनल से 12,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, तो इसका मतलब तय है कि इस चैनल को मैं नहीं चला रहा, इस चैनल को आप लोग मिल करके चला रहे हैं, ठीक है ना। तो भैया इसलिए बोल रहे हैं आपके भाई का और इस चैनल का आज बर्थडे है। तो भैया जो भी लोग अगर इस चैनल से प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, तो भैया बर्थडे विश कर दीजिए, ठीक है। और कुछ ऐसी आपको आज मैं बात बताऊंगा जो मतलब यूट्यूब पर ना बिल्कुल 101% काम करेगी। पूरी दिल से बातें बोल रहा हूँ, कोई हवा हवाई वाली बातें नहीं है, बिल्कुल रियलिटी है। जो आप लोग हमेशा सुनते हैं YouTube का ब्रह्मास्त्र क्या है, कौन सी ऐसी बिल्कुल मतलब मेन बात है जिससे एक चैनल ग्रो होता है, चैनल वायरल होता है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल जेन्युइन, कोई कुछ नहीं, कोई फर्जी बातें नहीं, क्योंकि देखिए आपको पता है कि मैं YouTube पर फर्जी बातें करता ही नहीं हूँ, बिल्कुल जेन्युइन बातें करता हूँ। लेकिन आज कुछ ऐसा सीक्रेट आपको दूंगा जो शायद कभी भी मैंने पहले नहीं दिया है। दोस्तों इस चैनल पर लगभग 313 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। आपको लग रहा होगा कि 313 ही तो है, कौन बड़ी चीज़ है, लेकिन दोस्तों जब आप अपने चैनल पर YouTube पर रेगुलर काम करते हैं तो 313 एक बहुत बड़ी संख्या होती है, बहुत बड़ी संख्या, क्योंकि आपको रेगुलर कंटेंट देना होता है, रेगुलर कुछ सोचना होता है, कुछ यूनिक देना होता है, और जेन्युइन देना होता है जब आपको, तो बहुत ज़्यादा दिमाग, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। तो ऐसा नहीं है कि इस चैनल पर हमने काम नहीं किया, बिल्कुल काम किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि आखिर एक मन में आपका डाउट ज़रूर होगा कि आखिर सिद्धार्थ राज शुक्ला ये रोज़ कैसे वीडियोस अपलोड कर देता है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपको टॉपिक कैसे मिल जाता है, कैसे आप चीज़ों को सोच लेते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। और वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज़ वीडियो अपलोड नहीं कर पाते, चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पाते, अंदर से आवाज़ आती है कि भैया अपलोड करो, अपलोड करो, अपलोड करो, लेकिन फिर भी चाह करके भी आप लोग वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाते। वहीं पर इस चैनल पर रेगुलर वीडियोज़ अपलोड होती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? सबसे बड़ा कारण है वजह। आप लोगों के पास दोस्तों कोई वजह नहीं है, लेकिन मेरे पास एक वजह है, सबसे बड़ी वजह। आपको मैंने बताया है कि मैं दोस्तों अपनी फैमिली से दूर हूँ, मेरे फैमिली में मुझे YouTube की वजह से भगाया गया। आज मैं अपने माँ बाप के साथ में नहीं रहता हूँ, मैं बिल्कुल अलग रहता हूँ, अलग रेंट पर रहता हूँ, बात समझ रहे ना। तो मेरे पास एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे घर से भगाने का कारण क्या है, यूट्यूब। और अगर मैं यूट्यूब पर सफल नहीं होऊंगा तो मेरे घर वाले कहेंगे कि हाँ भाई बिल्कुल सही हमने किया इसको भगा करके, क्योंकि ये जिस चीज़ के पीछे परेशान था वो चीज़ गलत थी, है ना। तो मुझको इसको सही प्रूफ करना है, और इसलिए इस चैनल पर रेगुलर कंटेंट आता है और रेगुलर जेन्युइन कंटेंट आता है, ये नहीं कि हवा हवाई, क्योंकि मुझे जेन्युइन तरीके से आगे बढ़ना है, मुझे इस तरीके से इस चैनल को आगे बढ़ाना है जिससे एक मतलब लोगों के मन में फीलिंग आए कि नहीं जो बंदा बोल रहा है ना वो बिल्कुल सच बोल रहा है। और इसीलिए दोस्तों 313 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, लेकिन आज तक मैंने कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं बनाया जो फर्जी हो, जो फेक हो, बल्कि फेक लोगों की मैंने हवा निकाल दी है, लेकिन फेक चीज़ें कभी खुद नहीं बनाई, बात समझ रहे ना। तो मेरे पास में एक वजह है अपने चैनल को आगे बढ़ाने की, आपके पास भी कोई वजह होनी चाहिए, और वो वजह बहुत मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि मेरे पास में वजह है कि अगर मैं YouTube पर सक्सेस नहीं हुआ तो मेरी फैमिली मुझे कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी, कभी भी मुझको एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर YouTube पर कुछ होता है, कुछ अच्छा होता है, देन मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी, मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट भी करेगी, बात समझ रहे ना। तो एक वजह बहुत ज़रूरी है आपके पास होना। आज हम लोग ना वीडियो बनाने के एडिक्ट हो गए। जब शुरू में वीडियो बनाते थे उस समय हम लोग एडिक्ट नहीं थे वीडियो बनाने के, लेकिन धीरे धीरे करते 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 आज एडिक्शन है हम लोग को वीडियो बनाने का। अगर आज हम वीडियो नहीं बनाते तब हमको अजीब लगता है, बात समझ रहे हैं। जब हम वीडियो नहीं बनाते तो हमको लगता है ऐसा कोई काम जो हमने अधूरा कर दिया, उलझन होती है शरीर, बिल्कुल कुछ काम करने मन नहीं करता, सच बता रहे। लेकिन वहीं जब वीडियो अपलोड हो जाती है तब बिल्कुल दिल में ठंडक पहुंचती है, लगता है कि नहीं भैया कुछ तो काम हुआ, बात समझ रहे ना। तो ऐसा होता ही है ना। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पास में एक पर्टिकुलर फिक्स वजह है, है ना। तो आप लोग को दोस्तों वजह ढूंढनी पड़ेगी अगर YouTube पर आगे बढ़ना है ना। आप लोग सिर्फ सेटिंग 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 ढूंढते रहते हैं, सेटिंग से ही सब कुछ नहीं होने वाला। अब आप लोग YouTube पर पैसे के लिए आ रहे हो, है ना, कि पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, बहुत यहाँ पर पैसा है भैया,
लाखों करोड़ों कमाएंगे, अच्छी अच्छी गाड़ियां लेंगे, जिस गाड़ियों के लोग सपने देखते हैं वो गाड़ियां आप लेंगे। आपकी वजह ही गलत है दोस्तों, आप गलत वजह को लेकर के आगे बढ़ रहे हो। आप लोग बताइए इस चैनल पर सिवार्थ राज शुक्ला 2.0 पर, आप लोग अच्छे से जानते हैं, रेगुलर व्यूअर है, ना जाने कितनी स्पॉन्सरशिप इस चैनल को मिली, हजारों में मिली। मतलब अगर अब तक हम चाहते तो 2-4 लाख रुपए स्पॉन्सरशिप से कमा चुके होते, लेकिन नहीं कमाए। क्यों? क्योंकि मेरी वजह बिल्कुल क्लियर है। पैसे के लिए काम यूट्यूब पर सिर्फ नहीं कर रहे हैं, मेरी वजह है यूट्यूब पर काम करने की, ताकि मुझे जो फैमिली से सिर्फ यूट्यूब की वजह से भगाया गया, तो ऐसे तमाम लोग हैं जिनके फैमिली के लोग यूट्यूब में सपोर्ट नहीं करते। अगर एक बंदा सक्सेस होकर यूट्यूब पर दिखा दे तो बहुत सारी फैमिलीज उसे इन्फ्लुएंस होती हैं और अपने बच्चों को यूट्यूब पर काम करने से रोकती नहीं है फिर, ठीक है ना, उनको आगे काम करने देती हैं। जैसे मेरी फैमिली ने मुझको भगा दिया, क्योंकि उनको पता है कि यूट्यूब तो कुछ है ही नहीं, यूट्यूब की कोई पावर नहीं, यूट्यूब से कुछ भी नहीं किया सकता। लेकिन सच क्या है, यूट्यूब से हर वो मुकाम हासिल किया जा सकता है जो आपके सपने हैं, जो आप सपने दिन रात देखते हो। बात समझ रहे हो ना? और ये चीज मुझे प्रूफ करनी है, जिस वजह से इस चैनल पर रेगुलर वीडियो अपलोड होती है। तो यूट्यूब को अगर ब्रह्मास्त्र कहें तो क्या है? वजह। वजह क्लियर होनी जरूरी है। और दोस्तों एक बात याद रखना, यूट्यूब पर आए हो ना तो कसम खा लेना यार कि सिर्फ खुद के लिए कॉन्टेंट नहीं बनाना। देखो जैसे मैं इस चैनल पर काम कर रहा हूँ, सिर्फ क्या मैं खुद के बारे में सोचता हूँ? नहीं, मैं अपने सब्सक्राइबर के बारे में सोचता हूँ कि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना, उससे सब्सक्राइबर को कुछ मिलना चाहिए, ताकि वो कुछ सीख करके जाए। और उसके बाद आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, आने वाले टाइम पे आप लोग भी यूट्यूबर बनेंगे, यूट्यूब से पैसे कमाएंगे। लेकिन दोस्तों प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जब यूट्यूब से पैसे कमाना ना, तो सिर्फ खुद के लिए मत कमाना, ठीक है? जैसे मैंने अपनी पेमेंट हासिल की यूट्यूब से, तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि मैंने उस पेमेंट का कुछ भाग ऐसे गरीब बच्चों पर, मैंने कुछ पढ़ाई की चीज़ें दी, ताकि उनकी ज़िंदगी में एक छोटा सा बदलाव लेके आ सकूं। आने वाली जितनी भी पेमेंट्स आएंगी वो मैं अपने छोटे छोटे गरीब बच्चे जो होते हैं, जिनको मैं पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी मदद कर सकता हूँ, ज़रूर करूँगा। और ये चीज़ आप भी अपने अंदर लाइए, कुछ बदलाव बड़ा लाने की। बात समझ रहे हैं ना? तो बड़ा बदलाव जब आपके दिमाग में होगा ना, कि मुझे कुछ बड़ा करना है, सिर्फ खुद के लिए नहीं जीना, कि खुद के लिए जी रहे हैं मर गए। अरे दुनिया में ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो खुद के लिए जीते हैं, खुद के लिए मरते हैं। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करके इस दुनिया से जाते हो जिससे किसी की ज़िंदगी में छोटा से छोटा बदलाव आता है, देन आपके जीवन का कुछ मतलब निकलता है। वरना दोस्तों ज़िंदगी तो कीड़े मकौड़े जानवर भी जी रहे हैं खुद के लिए। बात समझ रहे हैं ना? आपको खुद के लिए नहीं जीना, आपको उनके लिए जीना है जिनको आपकी ज़रूरत है। बात समझ रहे हैं? तो आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, कि भाई मेरे हिसाब से YouTube का ब्रह्मास्त्र यही है कि एक सही मकसद के साथ में आप YouTube पर आइए, अपने अंदर आग लगा के आइए, एक वजह लेकर के आइए, जेन्युइन वजह लेकर के आइए, और फिर जिसके बाप में दम हो तुमको यूट्यूबर बनने से रोक ही नहीं सकता। बात समझ रहे हो? कभी भी नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारे पास में वो वजह नहीं है। वजह ढूंढो, यूट्यूब पर काम करो, चीज़ें सीखो, अच्छे से काम करो, यूट्यूब पर ग्रोथ जरूर होगी। तो आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आज इस चैनल का बर्थडे और मेरा भी बर्थडे है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे विश जरूर करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।